लाल और पीला रंग हुआ एक, क्या फीका पड़ जाएगा भगवा रंग। उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की बुधवार को मऊ में औपचारिक घोषणा हो गई है। पूर्व मंत्री और सभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के मंच से अखिलेश यादव ने कहा कि आज पीला और लाल रंग एक हो गया है। ये पीला रंग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का है। ये पीला रंग पीला ही पीला दिखाई दे रहा हमें, देखिए इधर। और लाल टोपी भी सर में है, लेकिन सोचो हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं इस मैदान में, और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे हो आदि ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे, जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है। अब बंगाल के बाद यहां खदेड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐतिहासिक समर्थन है, ऐतिहासिक परिणाम देगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 19वें संस्थापक दिवस पर हलधरपुर के पास ढोलवन में महापंचायत का आयोजन किया गया। दोपहर करीब 12:30 बजे अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे, जहां सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वागत किया। इसके बाद महापंचायत में मौजूद हजारों की भीड़ ने झंडे और हाथ उठाकर दोनों नेताओं का अभिवादन किया। मंच पर कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। अखिलेश यादव ने साधा योगी सरकार पर निशाना। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पंचायत नहीं बदलाव की महापंचायत है, पीला और लाल रंग अब एक हो गया है। भीड़ का विश्वास जीतते हुए उन्होंने आगे कहा कि पूर्वांचल के लोग जागते हैं तो बदलाव होता है। लॉकडाउन में जिस वक्त लोगों को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त सरकार ने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया। लोग दवाइयों के लिए घूमते रहे, ना अस्पताल मिला, ना बेड मिला, ना दवाइयां मिली, ना ऑक्सीजन मिली, तमाम गरीबों की जान चली गई। सरकार ने कोई मदद नहीं की।